डिस्टेंस पे पूरी ग्रीनरी के साथ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर बहुत शांति है। नमस्कार एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। गंगा जी के बिल्कुल पास में खड़े हैं हम, घाट पर खड़े हैं, लेकिन ये पब्लिक घाट नहीं है, ये एक प्राइवेट घाट है और ये एक आश्रम का घाट है जो आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं हरिद्वार में। आज हम हरिद्वार आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर आश्रम है ये। घाट से हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आपको दिखाएंगे कितनी बड़ी जगह में ये बना हुआ है, किस तरह की अकोमोडेशन हैं, क्या क्या सेवाएं यहाँ पर की जाती हैं, वो सब हम आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। और देखिए घाट के सामने ही कितनी सुंदर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है, जय बजरंगबली। और देखिए घाट के बिल्कुल पास ही आपको इस तरह की हिंदू इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि ये पांडव दिख रहे हैं यहाँ पर स्वर्गारोहिणी जाते हुए, यहाँ पर गंगा जी का प्रवाह रुकने पर जो स्तुति करते हुए माँ गंगा की भागीरथी जी दिख रहे हैं। और देखिए घाट से जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, हम बिल्कुल सप्तऋषि का ये बैक डोर है, यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। और देखिए एंट्री पर ही यहाँ पर आपको संस्कृत महाविद्यालय दिखेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशंस हैं। इस आश्रम की मैं आपको लोकेशन बता देना चाहती हूँ, हमने आपको एक आश्रम पहले दिखाया था गीता कुटीर आश्रम, जैसे ही हरिद्वार में आप आते हैं शांति कुंज गेट नंबर 1 वाली लाइन में, वहीं पर ये आगे घाट की तरफ जब आप आएंगे तो आपको ये आश्रम दिख जाएगा। बहुत ही इजी है यहाँ तक आना, और ये इसकी जो दूरी है रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो अकोमोडेशंस हैं वो नॉर्मल नेम नहीं है, आप देखेंगे अत्री कुटी नंबर 4 यहाँ पर दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर ये कुटिया के नाम से बोला जाता है इनको। और ये किस तरह की कुटिया हैं, एसी, नॉन एसी, 1 रूम 2 रूम्स, तो वो अब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये मैं आपको एसी कुटिया दिखा रही हूँ जिसमें 3 लोगों के लिए बेडिंग दी गई है, काफ़ी स्पेशियस है। तो यहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं और अटैच वॉशरूम के साथ हैं सारी कुटिया। काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, और सभी जो एमिनिटीज हमें दिख रही हैं, गीजर लगा हुआ है। तो देखिए 3 लोगों के लिए ये कुटिया विद एसी आपको मिलती है 700 रुपये में। और यहाँ पर जैसा कि मैंने देखा, हमने और भी आश्रम्स कवर किए हैं और जहाँ पर नॉर्मली रूम्स इजीली नहीं मिलते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनके नंबर्स देंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं। वैसे तो देखिए यहाँ पर जितनी भी ये कुटिया जिस तरह से बनी हुई हैं, बिल्कुल अलग अलग आपको ग्रीनरी दोनों तरफ दिखेगी, पेड़ बहुत ही ज़्यादा लिमिट में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़, जिससे आपको यहाँ पर फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा मिलती है और गर्मी का एहसास नहीं होता है, इसीलिए एसी नहीं भी हो तो भी चलता है। मैं भी आपको नॉन एसी कुटिया दिखाने वाली हूँ। देखिए बाहर जिस तरह से इन्होंने स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पर कूलर फिर भी इन्होंने दिया हुआ है फैन के साथ। तो यहाँ पर भी आपको 3 लोगों के लिए बेडिंग दिख रही है, तो इजीली 3 to 4 पर्सन कैन अकोमोडेट। पंखा है और बहुत ठंडी हवा दे रहा है ये। तो यहाँ पर मुझे एक तरफ किचन है, ये अभी लॉक्ड है लेकिन ये ओपन हो जाता है। यहाँ की सारी कुटिया में किचन मिलता है, लेकिन किसी में आपको गैस स्टोव भी मिलता है, सिलेंडर एंड स्टोव दोनों मिलता है आपको, लेकिन किसी में नहीं भी है। यहाँ पर देखिए एक अलग एरिया दे दिया है ये एक और एक्स्ट्रा पर्सन के लिए, वॉशरूम यहाँ पर अलग अलग, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, कई लोगों को ये अच्छा लगता है कि बाथरूम अलग है, टॉयलेट अलग है, स्पेस काफ़ी मिल जाता है आपको। और देखिए जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, यहाँ आपको पीछे के रास्ते से आप बाहर निकलते हैं और कितना सुंदर आपको यहाँ पर एरिया मिलता है, यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, ये एनवायरनमेंट देखकर ही अपने आप हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है।
और देखिए जैसे ही हम कुटियाओं के बाहर आते हैं, बहुत सुंदर ये पूरा प्रांगण बना हुआ है जिसमें इतने सुंदर सुंदर यहाँ आपको मंदिर दिखते हैं। सरस्वती माता का मंदिर है, राम पंचायत मंदिर है, सप्तऋषि मंदिर है और ये एक फाउंटेन भी बनाया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और देखिए ये कुछ नए कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पर, कुछ नए कुटिया बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्पेशली ये जो रैम्प दिया गया है व्हीलचेयर एक्सेस के लिए, ये बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी फर्निशिंग नहीं हुई है, इसलिए हम अंदर से अभी आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लॉक्ड है ये। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको हम ये वाली कुटियाज भी दिखाएंगे। और देखिए इस तरह के जो आश्रम्स होते हैं ये इसलिए और ज़्यादा मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है क्योंकि जिस तरह यहाँ पर चंदन का पेड़, रुद्राक्ष का पेड़ आपको देखने को मिलता है, ये नॉर्मली इस जगह ऐसी जगहों पर होते नहीं है, ये जो स्पेशल जगह है वहीं पर होते हैं। सीनियर सिटीजन्स अगर आते हैं यहाँ रहने के लिए तो देखिए कुटिया के बिल्कुल सामने भी आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, तो पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। और अभी जिस तरह से मैं आपको एक टू रूम सेट आप उसको बोल सकते हैं, और इस तरह की कुटिया है यहाँ पर जहाँ पर एक बड़ी फैमिली रह सकती है और वहाँ पर आपको पूरा किचन का सामान भी मिलता है, आप खुद से खाना बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है ये। और देखिए ये टू रूम वाली कुटिया मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें आपको पूरा डाइनिंग एरिया मिलता है, बेडरूम है, दोनों रूम्स में एसी मिलते हैं आपको, टीवी भी मिल रहा है, बहुत बड़ा फ्रिज है यहाँ पर, दोनों में वॉशरूम्स हैं अलग। और देखिए किचन में आपको सिलेंडर भी मिलता है, गैस स्टोव है, यूटेंसिल्स भी मिल रहे हैं आपको और आरओ भी लगा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हैं तो आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी कुटिया दो रूम के साथ, दोनों रूम में एसी है और इतनी सारी मैंने एमिनिटीज़ आपको बताई हैं, सिर्फ 1000 रुपये में आपको मिलती है, 1000 रुपीज़ चार लोगों के लिए, और इवन चार से ज़्यादा भी रह सकते हैं क्योंकि बेड्स काफ़ी बड़े हैं। ये दूसरा रूम है इसका, और नॉन एसी जो मैंने अभी आपको दिखाया था कूलर के साथ, उस रूम का शायद मैंने टैरिफ नहीं बताया, तो वो 500 रुपीज़ में आपको मिलता है जिसमें कि चार लोगों की बेडिंग वहाँ पर दी गई थी, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और देखिए इस रूम के साथ कितना बड़ा वॉशरूम ये मिलता है, इजीली चार लोगों के लिए यहाँ पर आप जब अकोमोडेट होते हैं तो दो वॉशरूम्स आपको मिलते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत ही सुंदर गणेश जी का मंदिर है ये। और देखिए जैसा कि इस आश्रम का नाम है सप्तऋषि आश्रम, और जहाँ पर ऋषि होते हैं वहाँ यज्ञ तो होते ही हैं, ये यज्ञशाला है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी, और 101 वर्ष के लिए यहाँ पर, देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर 101 वर्ष तक ये अग्नि जलती रहेगी कंटिन्यू। और आप देख सकते हैं इसी तरह से इसमें लकड़ियाँ हमेशा डालकर रखते हैं और यहाँ पर अग्नि हमेशा जलती रहती है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का भोजनालय, जिस तरह की जब इस तरह के आश्रम्स में जो लोग भंडारे कराते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो भंडारा किया जाता है वो इस जगह पर किया जाता है, और एक सामने ही इसी तरह का प्लेस है, तो ये दोनों जगह पर किया जाता है, और इसीलिए दो किचन हैं इनकी क्योंकि यहाँ भंडारे ज़्यादातर चलते ही रहते हैं और यहाँ पर इवन लोगों को डेट्स लेनी पड़ती हैं भंडारा चलाने के लिए। और देखिए भंडारे का खाना, क्योंकि यहाँ प्रसाद तैयार किया जा रहा है, और पूरियों की जो खुशबू है यहाँ पर, मुझे खुशबू से ही पेट भर गया है मेरा, लेकिन मैं प्रसाद ज़रूर लूँगी यहाँ पर। तो देखिए इसी तरह अगर आपको कोई बड़ा इवेंट करना है तो उसके लिए स्पेस काफ़ी है इनके पास, यहाँ पर भी इन्होंने ये इसी तरह से स्पेस बनाया हुआ है, पंखे लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर आप पूरा सेटिंग करा सकते हैं। ये इनका सत्संग हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है, और देखिए जिस तरह से ये चेयर्स हमें दिख रही हैं यहाँ पर, तो ये चेयर सिटिंग भी हो जाती है, लो सिटिंग भी है, और जिस तरह से ये पूरा मंच बनाया गया है सामने, यहाँ पर भागवत कथाएं भी होती हैं, तो बहुत सुंदर जगह है ये, और काफ़ी बड़ा स्पेस है, पंखे लगे हुए हैं। और ये देखिए हम देख रहे हैं श्री त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश दत्त जी महाराज, इन्होंने ही इस पूरे आश्रम की स्थापना की है, बहुत सुंदर बनाया है, और साथ में कुछ और भी बड़े लोगों के नाम हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे पुराण की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, कब से कब तक किस पुराण का जो समय दिया गया है यहाँ पर।
और देखिए एंट्रेंस मेन गेट पर ही आपको इतनी सुंदर भोलेनाथ की प्रतिमा मिल जाती है, और साथ में ही भंडारे के अलावा यहाँ पर पेड कैंटीन भी है, तो अगर आप अलग से खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। और देखिए अब मैं आपको वो कुटिया दिखाने वाली हूँ जहाँ पर जिनकी वजह से हम यहाँ आए हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। नमस्ते आंटी जी, अभिषेक हैं ये और उनकी मदर हैं, साथ में ये चैंपियन भी है। हेलो, इन्होंने हमें बताया कि ये इतनी अच्छी जगह यहाँ पर है और हमें ये दिखानी चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले निष्काम आश्रम भी दिखाया था, वो भी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने ही बताया था कि इतनी सुंदर जगह है, और यहाँ पर इन्होंने अभिषेक ने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच अभिषेक, मोस्ट वेलकम। यहाँ पर प्लीज़ बताएं आप किस तरह की कुटिया में आप रह रहे हैं। ये बेसिकली बहुत पुराना आश्रम है जैसा आपको पता ही है। हाँ जी। तो हम यहाँ आते हैं, आई एम कमिंग सिंस 35 इयर्स नाउ। ओके। और काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी साफ सुथरी और पीसफुल है, और जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके साथ पेट भी है, तो यहाँ पे पेट फ्रेंडली है। या बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आश्रम में आपको पेट फ्रेंडली जगह मिल रही है, और एसी लगा हुआ है यहाँ पर, हम एक बार अंदर। श्योरली। ये एक छोटा सा किचन है जिसमें बहुत अच्छा सा वेंटिलेशन दिया हुआ है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम है अंदर तक है। साथ में एक और छोटा रूम ये दिया गया है जिसमें एक और बेड है यहाँ पर सिंगल पर्सन के लिए। देखिए जनरली मैं देखती हूँ कि पेड़ पर पत्ते ज़्यादा होते हैं, अमरूद कम होते हैं, यहाँ इस पेड़ पर मैं उल्टा देख रही हूँ, पत्ते कम हैं और अमरूद ऐसे लदे हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और आज बहुत दिनों के बाद मैं भंडारे का प्रसाद खा रही हूँ, पूरी आलू की सब्जी और डिलीशियस खीर। विनोद कुमार सैनी जी यहाँ के मैनेजर हैं, और सर मैं कहूँगी आपको बहुत सुंदर आश्रम है ये, और जिस तरह से हमने विज़िट किया बहुत अच्छी सेवाएं आप दे रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताएं कब से ये सेवाएं आपने शुरू की हैं और किस किस तरह की सेवाएं आप दे रहे हैं। मेरा नाम विनोद कुमार सैनी है, मैं प्रबंधक हूँ सप्तऋषि आश्रम का यहाँ, और 94 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और ये सारी व्यवस्थाएँ देखता हूँ। ये सप्तऋषि आश्रम एक प्राचीन आश्रम है, और इसकी जो मेंस जिसके अंडर में आता है वो है सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब। सप्तऋषि आश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय जी की स्मृति में ब्रह्मदीन त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेश जी महाराज ने पुराणों और शास्त्रों की खोज के आधार पर सप्तऋषि आश्रम का निर्माण कराया है। ये आश्रम एक पौराणिक आश्रम है और शास्त्रों की काफ़ी खोज के बाद ये बनाया गया है, और ये यहाँ पर जो है ना सप्तऋषि योग के नाम से ये विख्यात है। ये सप्तऋषि कौन कौन से ऋषि हैं? जमदग्नि, अत्रि, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इन सातों ऋषियों ने प्राचीन काल में इस स्थान पर अपने अलग अलग आश्रम बना करके तपस्या की। इस स्थान को शास्त्रों में आनंद वन भी कहा गया है, आज ये सप्त सरोवर के रूप में विख्यात है। यहाँ सप्तऋषि आश्रम के अंदर गंगेश्वर महादेव का मंदिर है, और गंगेश्वर महादेव के मंदिर में जो यहाँ शिवलिंग विराजमान है उसमें हमारे विद्वान पंडितों के द्वारा रुद्राभिषेक कराया जाता है, और कर्मकांड के बिल्कुल विधि विधान से यहाँ हमारे विद्वान पंडित रुद्राभिषेक कराते हैं। और ये रुद्राभिषेक वो इतना फेमस है कि यहाँ भारत से ही लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ रुद्राभिषेक कराने के लिए आते हैं। और ये देखिए आश्रम के बिल्कुल सामने हनुमान जी की गुफा है, और ऊपर आपको ये सातों ऋषि दिख रहे हैं जिसके नाम पर सप्तऋषि ये आश्रम का नाम है। देखिए ये लगभग 1 किलोमीटर हम पार करके आए हैं, पूरा एरिया जहाँ तक नज़र जाती है यहाँ पर ये पूरी फार्मिंग की गई है इसी आश्रम के द्वारा,
बहुत सारे आपको यहाँ पर ये अलग अलग खेत दिख रहे हैं और आम के पूरे बाग हैं यहाँ पर। बहुत बड़ा एरिया इन्होंने एक्वायर किया हुआ है सिर्फ फार्मिंग के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे इसमें गौशाला है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर गायों का रख रखाव किया जाता है। और देखिए ये आ गए हम गौशाला में, बहुत सारी गायें हैं यहाँ पर और ये छोटे बच्चे भी हमें दिख रहे हैं। इन्होंने इसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर हमें जो दिख रही हैं गाय, जो दूध देती हैं गाय और उनके बच्चे साथ रहते हैं, और दूसरे सेक्शन में ये जो गाय दूध नहीं देती हैं उनको रखा गया है। और लेकिन सुविधाएं सबके लिए सेम है, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे दूध दें या नहीं दें, सेवा सबकी की जाती है। और ये देखिए वृद्ध गौशाला लिखा हुआ है यहाँ पर, जो गाय वृद्ध हो जाती हैं उनके लिए ये अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। सर यहाँ पर जिस तरह से भंडारे किए जाते हैं उसकी क्या प्रोसीजर है, किस तरह से वो बुक कर सकते हैं, और जो कुटिया हैं यहाँ पर उन्हें लेने के लिए किस तरह से प्रोसेस? यहाँ रेगुलर, वैसे तो रेगुलर यहाँ विद्यार्थियों का 100 विद्यार्थी और हमारे जो स्टाफ हैं और लगभग 300 व्यक्तियों का भोजन तो रोज आश्रम की ओर से बनता है, और बीच बीच में भंडारे दानी लोग कराते हैं, उनके हमें फ़ोन पर सूचना जाती है, वो स्वयं भी आ जाते हैं, यहाँ रहते भी हैं और भंडारा भी कराते हैं। जिस दिन महात्मा लोग तो रोज़ ही आते हैं, भंडारे वाले दिन और ज़्यादा आते हैं, तो लगभग उस दिन 500 से 600 लोगों का भोजन होता है, जिसमें 300 से 400 तक महात्मा होते हैं, और उनको दक्षिणा भी वितरित की जाती है, भोजन भी कराया जाता है। ये लंगर भी बहुत उसी समय से हमारे जो इसके सप्तऋषि आश्रम के संस्थापक हैं ब्रह्मलीन त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेशदत्त जी महाराज, ये उनके द्वारा ही 100 वर्षों से अधिक हो गया जो चल रहा है। और यहाँ प्राचीन यज्ञशाला भी है, इसका उद्घाटन 1954 में माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 101 वर्ष के लिए अखंड अग्नि इसमें प्रज्वलित की थी। उसका उद्देश्य क्या था? देश की सुदृढ़ता के लिए, मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए इसमें जो है 24 घंटे अग्नि रहती है, बहुत दूर दूर से जहाँ लोग हवन कराने आते हैं। ये तो अब रही कुटियाएँ, जो हमारे सप्तऋषि क्यों जो जम जो मैंने बताया सातों ऋषियों के नाम आपको, इन ऋषियों के नाम से भी यहाँ कुटियाँ बनी हुई हैं, उनकी पत्नियों के नाम से भी कुटियाँ बनी हुई हैं। ये कुटियाँ सब दानी लोगों ने बनवाई हुई हैं, इनका विकास संस्था करती है, और जो भी यहाँ के पार्कों पर खर्चा है, जो भी है, जो इनसे हमको मिलता है, 500 रुपया मिलता है, 1000 रुपया मिलता है, ऐसी कुटिया का जैसे 500 रुपया है, 700 रुपया, 1000 रुपया है, जो भी हमें इससे मिलता है, हम इसके रख रखाव पर वो खर्चा करते हैं, वो बिजली पे, पानी पे, स्टाफ पर, और जो हमारे लंगर के जो खर्चे हैं, जो अन क्षेत्र के खर्चे हैं, हम इस पर वो खर्च करते हैं। तो कुटिया यहाँ पर कोई भी आकर ले सकते हैं? कोई भी आकर के कुटिया ले सकता है, उनके हमें फ़ोन पर भी सूचना आती है, कई लोग डायरेक्ट भी आ जाते हैं। तो देखिए इतनी सुंदर आज हमने जो विज़िट कराई है आपको आश्रम की, सप्तऋषि आश्रम, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं, क्योंकि एक तो एरिया बहुत बड़ा है और साथ में आपको गंगा जी भी पास में मिल रही हैं। इतना बड़ा ये जो फार्मिंग है, आप अगर यहाँ कुटिया लेकर रहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं, जब आपको यहाँ पर बर्ड्स दिखेंगे, और जिस तरह के बर्ड्स अभी भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो ये वातावरण है ये हमें एक्चुअली शांति देता है, और जिस पीस को हम ढूंढते हैं वो हमें यहाँ मिल सकती है। तो आप भी ज़रूर आइए इस पीस को ढूंढते हुए और इस पीस को फील करने के लिए, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल मिलेंगी, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं ओटी एक्सपर्ट के नाम से। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।